कर्नाटका के लॉकडाउन को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब कर्नाटका के अंदर आपका लॉकडाउन 5 जुलाई 2021 के सुबह 5 बजे तक के लिए लागू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में फुल गाइडलाइंस हमारी क्या है। अब की बार गाइडलाइंस में काफी बड़ा परिवर्तन करा गया है। सभी जिलों को कर्नाटका के अंदर भी तमिलनाडु की तरह, अगर आप तमिलनाडु के बारे में जानते हो तो तमिलनाडु के अंदर भी 3 कैटेगरी के अंदर जिले बांटे गए हैं, और इसी तरह से कर्नाटका के अंदर भी आपका 3 कैटेगरी के अंदर जिले बांटकर आपको छूट दी गई है। ठीक है, तो चलिए जानेंगे सभी कैटेगरी को। तो देख सकते हो ये हमारा ऑफिशियल लेटर है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है हमारी 19 जून 2021 को ही हमारी वैसे तो गाइडलाइंस आ गई थी, और आपको पता होगा कि 21 जून तक हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे कर्नाटका के अंदर, लेकिन अब जो है 21 जून से बढ़ाकर आपका 5 जुलाई के सुबह 5 बजे तक के लिए लागू कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हो यहां से टाइम आपका लॉकडाउन जो है 21 जुलाई के सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो गया है, जो अब कब तक रहेगा, 5 जुलाई के सुबह 5 बजे तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मोटा मोटा जो इसके बारे में, मतलब कि लॉकडाउन के बारे में समझ लीजिए कि वो क्या है जो पूरे कर्नाटका के अंदर लागू रहेंगे। तो देखिएगा, नाइट कर्फ्यू जो है पूरे कर्नाटका के सभी जिलों के अंदर लागू रहेगा। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्नाटका के सभी शहरों में आपका रात के दौरान आपका कर्फ्यू लागू रहेगा। ठीक है, इसके बारे में फुल गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से आपका वीकेंड कर्फ्यू सप्ताह के एंड में लगने वाला जो आपका कर्फ्यू है, या सप्ताह के एंड में लगने वाला जो लॉकडाउन है, वो आपका शुक्रवार के शाम 7 बजे से शुरू होकर सोमवार के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ठीक है, वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू में आपको किसी भी मतलब की चीज के लिए अनुमति नहीं होगी। केवल आप जो है इस दौरान मेडिकल से जुड़ी हुई, या मतलब की जो हमारी इमरजेंसी सर्विस जो है, केवल इस दौरान हमारी वही चालू रहेंगी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारी सर्विस है वो हमारी बंद हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वीकेंड कर्फ्यू में केवल जरूरी दुकानें खुलेंगी, और इसी तरह से नाइट कर्फ्यू के अंदर भी आपकी जरूरी दुकानें खुलेंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अगला पॉइंट, कर्नाटक के सभी जिलों के अंदर, पूरे कर्नाटका के अंदर सभी जितने भी आपके बसें हैं, बसें 50% क्षमता के साथ चालू हो गई हैं। जी हां, कर्नाटका के अंदर जितने भी आपकी बसें हैं 50% बैठने की क्षमता के साथ चालू हो गई हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के नियम के साथ चलानी होंगी। वहीं देखिएगा, खड़े होकर किसी भी यात्री को यात्रा करने के लिए मनाही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी के अंदर कर्नाटकों के सभी जिलों को बांटा गया है। तो कैटेगरी 1 के अंदर देखिएगा, उन जिलों को रखा गया है जिन जिलों का पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से कम है। ठीक है जी, जिन जिलों के अंदर कोविड-19 के केसों का जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से कम है, उन जिलों के अंदर जो जिले हैं, और फिर इन जिलों की मैं आपको छूटें बताऊंगा क्या क्या छूटें रहेंगी। ठीक है, तो पहले आप जिले सुनिए, कैटेगरी 1 के अंदर जिन जिलों में 5% से कम आपका पॉजिटिविटी रेट है, तो उसमें जिले हैं आपके उत्तर कन्नड़, बेलागवी, मांड्या, कोप्पल, चिक्कबल्लापुर, और आपका अगला है तुमकुरु, और आपका कोलार, बेंगलुरु शहरी। ठीक है, देखिएगा, बेंगलुरु का हमारा जो अर्बन एरिया है यानी कि शहरी एरिया वहां पर, ठीक है, जो इसके अंदर देखिएगा बीबीएमपी क्षेत्र भी शामिल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है आपका गदग, और अगला है आपका रायचूर, और अगला है आपका बागलकोट, और अगला है आपका काला बुरागी, और आपका अगला जो जिला है उसके अंदर है आपका हावेरी, रामनगर, यादगीर, और आपका बीदर। ठीक है, तो ये जिले हैं जो कैटेगरी 1 के अंदर रखे गए हैं। देखिएगा, यहां पर सारे जिले लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इन जिलों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है, इसलिए इन्हें कैटेगरी 1 के अंदर रखा गया है। इनकी गाइडलाइंस अलग हैं, और इसी तरह से कैटेगरी दूसरी जो मैं आपको बताऊंगा उनकी गाइडलाइंस अलग हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैटेगरी 1 के अंदर जितने भी मैंने आपको ये जिले बताए हैं, इनके अंदर आपको क्या गाइडलाइंस लागू रहेंगी आपकी 5 जुलाई के सुबह 5 बजे तक। ठीक है, तो देखिएगा, इन जिलों के अंदर जो कैटेगरी 1 के अंदर जितने भी जिले हैं, इनमें जितने भी आपके प्रोडक्शन यूनिट हैं और जितने भी हमारे औद्योगिक संस्थान हैं, ठीक है, बड़े बड़े जितने भी आपके औद्योगिक संस्थान हैं और जितने भी देखिएगा आपकी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी आपके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो पूरी तरह से 50% स्टाफ के साथ चालू रहेंगी। जी हां, 50% क्षमता के साथ चालू रहेंगी। और हालांकि यहां पर बताया गया है, जो देखिएगा प्रोडक्शन यूनिट है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो इंडस्ट्रीज एंगेज है हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, गारमेंट मतलब कि जो कपड़े वगैरह का मैन्युफैक्चर करते हैं, गारमेंट के अंदर आ जाता है, तो उनके लिए 30% स्टाफ के साथ चालू रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, गारमेंट को छोड़कर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं 50% स्टाफ के साथ चालू रहेंगे, लेकिन गारमेंट की जो हमारी इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चर की, वो 30% स्टाफ के साथ काम करेंगी। ठीक है, ओके।
अगला जो पॉइंट है देखिएगा, यह है कि कर्नाटक के इन जिलों के अंदर जो कैटेगरी वन के अंदर मैंने आपको बताए हैं, इन जिलों में सभी दुकानें आपको बिना किसी मतलब की भेदभाव के सभी दुकानें, चाहे वो जरूरी दुकानें हो चाहे गैर जरूरी हो, ठीक है, जो बंद पड़ी थी मतलब कि लॉकडाउन में, अब उन सभी दुकानों को आपका सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोल दिया गया है। जी हाँ, जितने भी देखिएगा हमारी दुकानें थी सामान और सेवा कैसी भी सर्विस और गुड्स के रिगार्डिंग, वो सभी दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए खोल दी गई हैं। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा आपकी लिक्वर शॉप भी शामिल है, यानी कि शराब की दुकानें भी हमारी चालू हो गई हैं। ओके, ठीक है जी। और वही है कि कोविड नियमों का आपको पालन करना है। तो यहां पर देखिएगा ये पॉइंट जरूर बताया गया है कि हालांकि जिन दुकानों के अंदर, ऐसी दुकानों में आपका एसी लगा हुआ है, एसी वाली जितनी भी दुकानें हैं जिसमें एसी वगैरह लगा हुआ है, वो दुकानें और जितने भी आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल भी नहीं खुलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन सभी दुकानों में आपके आपके एसी लगे हुए हैं और जितने भी आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल हैं, ये हमारे बंद रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब देखिएगा यह है कि बहुत सारी ऐसी भी दुकानें होती हैं जिनमें एसी लगा होता है, ठीक है, तो भाई यह है कि डायरेक्टली सरकार के निर्देशानुसार तो यह है कि एसी वाली दुकानें नहीं खुलेंगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जिनमें एसी नहीं लगा हुआ वो सभी दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर आपका शाम 5 बजे तक खोल दी गई हैं, इसमें शराब की दुकानें भी खुलेंगी। ओके, ठीक है जी। और ये बताया गया है कि होम डिलीवरी के लिए आपको 24 घंटे छूट दी गई है, 24 घंटे सातों दिन आपको इनकरेज करा गया है कि आप होम डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा करें। ओके जी, अगला तीसरा पॉइंट समझिएगा, जितने भी देखिएगा कैटेगरी वन के अंदर जितने भी मैंने आपको जिले बताए थे, ठीक है, तो उनमें जितने भी आपके होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, भोजनालय हैं, बार हैं, ठीक है, और आपके क्लब हैं, ये पूरी तरह से आपके चलेंगे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, ठीक है, और 50% डाइन मतलब की क्षमता के साथ चलेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि देखिएगा रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में जो आपका फूड है उसको परोसा मतलब कि इन डाइनिंग कहते हो जिसे आप, तो जो आपको खिलाया जाएगा 50% सीटों पर ही बैठ के खिलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोविड नियमों का पालन करना है। और इसमें देखिएगा ये बताया गया है दोस्तों कि जो आपकी लिक्वर है, ठीक है, यानी कि जो शराब है आप उसका सेवन नहीं कर सकते इनमें, होटल रेस्टोरेंट और आपके भोजनालय और बार के अंदर, क्लब वगैरह के अंदर, ठीक है, यानी कि आप शराब का सेवन नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि शराब की दुकानें बंद रहेंगी, शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन भाई यही है कि आप घर पे जाके इसका खाना पीना जो करना है वो करो। और जो होम डिलीवरी है 24 घंटे वो चालू रहेगी, ठीक है, इसके लिए इनक्रीज करा गया है। और हालांकि देखिएगा यहां पर ये बताया गया है जिन भी आपके होटल रेस्टोरेंट और भोजनालय और बार और क्लब के अंदर आपके एसी लगा हुआ है वो हमारे नहीं खुलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। देखिएगा सरकार का कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों के अंदर एसी लगा होता है वो काफी बड़ी दुकानें और काफी रिच टाइप की दुकानें होती हैं, तो उसमें भीड़ भड़ाका ज्यादा रहता है, इसलिए उन दुकानों को बंद कर दिया गया है, ठीक है, मतलब कि वो दुकानें बंद रहेंगी, सॉरी। तो अगला जो पॉइंट यहां पर बताया है इन्होंने वो ये बताया है कि जितने भी आपके देखिएगा पब हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें पब सेंटर आप समझ रहे हो कि मैं किन कह रहा हूं, तो जितने भी देखिएगा पब हैं उनको भी इजाजत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा खोलने की, ठीक है। जितने भी आपके पब्स हैं वो हमारे पूरी तरह से पब हमारे बंद रहेंगे, ओके, ठीक है जी। और देखिएगा जितने भी आपकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, यानी कि जैसे ओयो का होटल है, ठीक है, ओयो के होटल सभी ने सुने होंगे, ठीक है, आपका देखिएगा जितने भी आपका लॉजिंग का रिजोर्ट वगैरह के जितने भी सामान को ठहरने और मतलब कि ठहरने वगैरह के जितने भी आपके होटल वगैरह हैं, रिजोर्ट वगैरह, ठीक है, वो हमारे पूरी तरह से 50% फंक्शन करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50% मतलब कि अगर आपके पास गेस्ट आ रहे हैं तो 50% कमरों में ही आपको बुलाना होगा, कहने का मतलब इनका ये है। और कोविड नियमों का आपको पालन करना है, जो प्रोटोकॉल है, ठीक है जी, ये समझ गए आप। ओके, अगला पॉइंट यह है कि देखिएगा जितने भी आपकी आउटडोर में आपकी फिल्म टेलीविजन सीरियल की शूटिंग हो रही है वो पूरी तरह से चालू रहेगी। वहीं देखिएगा बात करें अगला पॉइंट, इन जिलों के अंदर जो अभी तक देखिएगा ध्यान रखिएगा मैं कैटेगरी ए के अंदर, कैटेगरी वन के अंदर जितने भी मैंने आपको ऊपर अभी जिले बताए थे उन जिलों की ही छूट बता रहा हूं, ठीक है, अभी कैटेगरी दूसरी स्टार्ट नहीं हुई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा जितने भी हमारे आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं, यानी कि निर्माण कार्य जितने भी हैं आपके, जिसमें और इसमें सिविल रिपेयर वर्क जितने भी हैं, ठीक है, जो मतलब कि आम जनता से जुड़ा हुआ जितने भी रिपेयरिंग वर्क है इंक्लूड करा गया है, उसमें आपकी दुकानें हैं, उसमें संस्थान है हमारे, जिसमें देखिएगा कंस्ट्रक्शन मेटेरियल जो बेचते हैं, ठीक है, डील करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे आपका हो जाता है, आपको पता होगा सीमेंट सरिया वगैरह की दुकानें जो हैं, इनको भी आपका खोला गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वह यहां पर बताया गया है वो कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं खुलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके,
तो ये समझ में आ गए, निर्माण कार्य और रिपेयरिंग वर्क जो है हमारा चालू रहेगा, इनसे जुड़ी हुई दुकानें हमारी खुली रहेंगी। वहीं देखिएगा, बात करें इन जिलों के अंदर जितने भी आपके पार्क हैं वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक टहलने और जॉगिंग करने के पर्पस से खोले गए हैं, लेकिन आप ग्रुप एक्टिविटी उसमें नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी पार्क जो हैं हमारे कर्नाटका के इन जिलों में, मैंने जो बताए थे, इन जिलों में आपके सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए खुलेंगे। ओके जी, अगला पॉइंट जो है ये वो है कि देखिएगा, यहां पर बताया गया जिन जिमों के अंदर, ठीक है, जो जितने भी आपके जिम हैं जिनमें एसी नहीं लगा हुआ है, उन जिलों उन जिमों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट को आप समझ गए, यानी कि जिन जिम सेंटर के अंदर आपका आपका एसी नहीं लगा हुआ है वो 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। वहीं देखिएगा, इन सभी जिलों के अंदर जो मैंने आपको बताए थे, इन सभी जिलों में कैटेगरी 1 के जितने भी जिले थे इनमें मेट्रो रेल सर्विस हमारी चालू हो गई है। जी हां, मेट्रो रेल सर्विस आपकी चालू है, उसके लिए अनुमति मिल गई है, 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही आपका चलेगी, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, देखिएगा इसमें 50% सिटिंग के साथ साथ वो भी है कि 50% क्षमता बोल दी है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका मेट्रो रेल जो है आपको थोड़ी देर में जो आने वाला जो टाइम है वो भी आपका भर जाएगा, कि आपकी दूसरी जो मेट्रो रेल है वो काफी थोड़ी देर बाद आए, कहने का मतलब ये, क्योंकि इन्होंने बैठने के साथ साथ क्षमता के बारे में भी बात करा है। ठीक है, मेट्रो रेल सर्विस 50% चलेंगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल के साथ। और देखिएगा, जितनी भी टैक्सी हैं, ऑटो रिक्शा हैं, वो हमारे उनके लिए भी मंजूरी है, चलेंगे, लेकिन आप यात्रियों को, 2 यात्रियों को ही बैठा के ले जा सकते हो। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट ये बताया गया, जितने भी देखिएगा हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो हमारी चालू रहेंगी आउटडोर में, लेकिन वहां पर दर्शकों के बिना। ठीक है, दर्शक वगैरह नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितने भी देखिएगा हमारे सरकारी और प्राइवेट ऑफिस है वो 50% क्षमता के साथ हमारे काम करेंगे, 50% स्टाफ के साथ। जितने भी आपके सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हैं कोविड प्रोटोकॉल के साथ हमारे चालू रहेंगे, खुलेंगे। ठीक है, और यहां पर बताया गया है कि आपके, हालांकि यहां पर डेलिंग एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विस जो है वो हमारा फुल चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, ठीक है भाई, ये तो जरूरी सर्विस है ना, ये आपकी इमरजेंसी और जरूरी सर्विस है, ऐसी सर्विस हमारी फुल स्टाफ के साथ चलेंगे, जैसे डॉक्टरी वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह भाई। ठीक है, समझ गए ना आप। ओके, अगला पॉइंट है, जितने भी स्किल ट्रेनिंग सेंटर हैं हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग, वो हमारे भाई चालू रहेंगे, इनके लिए मंजूरी है। ओके ठीक है, तो ये थे हमारे अब तक कैटेगरी 1 के अंदर जितने भी गाइडलाइंस थी, और कैटेगरी 1 के अंदर जितने भी मैंने आपको जिले बताए उनकी क्या गाइडलाइंस थी। ठीक है, तो अब आपके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कैटेगरी दूसरी के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर वो जिले रखे गए हैं जहां पर कोविड का पॉजिटिविटी रेट जो है केसों का वो 5% से अधिक है। जी हां, जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से अधिक है उन्हें कैटेगरी दूसरी में रखा गया है, और कैटेगरी दूसरी के अंदर ये वाले जिले हैं, तो मैं आपको इन सभी जिलों के नाम बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने, जिसमें है आपका हसन, उडुपी, और आपका दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, चमाराजनगर, बेंगलुरु का ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रामीण वाला एरिया है। ठीक है, ऊपर वाले में शहरी था, अर्बन एरिया, लेकिन यहां पर 5% से अधिक जो केस हैं कोविड का पॉजिटिविटी रेट वो बेंगलुरु के ग्रामीण में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला जो जिला है वो आपका दावणगेरे, और आपका कोडागू, और आपका है अगला धारवाड़, और आपका बल्लारी, और आपका चित्रदुर्ग, और आपका विजयपुरा। तो ये जिले हैं जो कैटेगरी दूसरी में रखे गए हैं, और इन सभी जिलों के अंदर भी ये जो मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूं ये सभी गाइडलाइंस 5 जुलाई के सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। तो चलिए जानिए सभी गाइडलाइंस। तो पहला पॉइंट तो यहां पर वही कॉमन है, यहां पर बताया गया है कि जितने भी आपके देखिएगा मतलब कि प्रोडक्शन यूनिट है, और जितने भी हमारे संस्थान हैं, और जितने भी हमारे उद्योग हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे 50% चलेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 50% क्षमता के साथ चलेंगी कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के साथ। हालांकि यहां पर बताया गया है, देखिएगा, जो इंडस्ट्रीज और हमारे संस्थान वगैरह जितने प्रोडक्शन यूनिट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपका 30% स्टाफ के साथ चलेंगे। ठीक है, जो गारमेंट वाले कपड़े वगैरह के जो हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं वो बनाने वाले, और सिलाई सेंटर भी होते हैं उसमें, बहुत बड़े बड़े सिलाई एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं, आपको पता होगा गारमेंट का काम, तो वो 30% स्टाफ के साथ चलेगा। ठीक है, ओके जी। अगला पॉइंट यहां पे ध्यान से सुने, ये अब मैं आपको कैटेगरी दूसरी में बता रहा हूं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कह रहे हो रिपीट क्यों कर रहा है ये भाई इतना, तो रिपीट दोस्तों देखिएगा इसलिए कर रहा हूं, आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो देखिएगा कैटेगरी दूसरे में जितने भी जिले बताए हैं उसमें जितने भी आपकी दुकानें हैं ये वाली,
जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुकानें जो हैं जैसे फूड और ग्रोसरीज और आपका फल फ्रूट की दुकानें हैं और आपकी सब्जियों की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, ठीक है, किराने की सामान की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं और आपका मछली की दुकान होगी, एनिमल फूडर की दुकानें हैं, ये हमारी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो मैंने कैटेगरी 1 के अंदर जितने भी गाइडलाइंस बताई थी, वहां पे सभी की सभी दुकानें खुलेंगी, वो भी आपका सुबह 6 बजे से लेकर आपका शाम तक, लेकिन यहां पर दोपहर तक का टाइम है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और यहां पर केवल जरूरी दुकानें ही खुलेंगी जो मैंने आपको बताया है, ओके। और जब देखिएगा जितने भी आपके फेरी वाले हैं यानी कि स्ट्रीट वेंडर जो हैं, उनको कार्य करने की इजाजत है, उनको भी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और राशन की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, ओके। और देखिएगा जितने भी आपकी स्टैंड अलोन लिक्वर शॉप हैं, आउटलेट जितने भी हैं हमारे शराब की दुकानें, वो घर पर ही ले जाने की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और होम डिलीवरी के लिए इंक्रीज किया जा रहा है, 24 घंटे सातों दिन आपका होम डिलीवरी चालू रहेगी, ओके जी। अगला पॉइंट यह है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है और रिपेयरिंग वर्कर जितने भी हैं, इंक्लूडिंग आपका जितने भी आपकी दुकानें हैं इससे जुड़ी हुई, कंस्ट्रक्शन निर्माण सामग्री बेचते हैं जैसे सीमेंट सरिया वगैरह, ठीक है, रिपेयरिंग वर्क करते हैं जो, वो दुकानें तो मरम्मत का काम करते हैं मतलब, और उससे जुड़े हुए जितने भी मटेरियल वगैरह को बेचने वाले, वो सभी जो हैं आपके कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आपकी चालू रहेंगे, ठीक है। याद रहेगा इसमें कोई परसेंटेज का हिसाब नहीं है आप, लेकिन वो कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं होनी चाहिए वो दुकान, ओके, कंटेनमेंट जोन से मतलब कि जहां पर कोविड के केस सबसे ज्यादा हैं, ओके। अगला पॉइंट ये है कि जितने भी देखिएगा आपके पार्क हैं कैटेगरी दूसरी में, जितने भी पार्क हैं वो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे, लेकिन ऊपर वाले जो लिस्ट कैटेगरी 1 मैंने आपको बताई थी, वहां पर शाम 6 बजे तक पार्क खुले थे, लेकिन यहां पर आपके सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे, सुबह 5 बजे से लेकर, ठीक है। और वही कि वॉकिंग और आपका जॉगिंग पर्पज के लिए ही खोले जाएंगे, वहां पर ग्रुप एक्टिविटी आपके लिए मंजूरी नहीं है। टैक्सी ऑटो रिक्शा में केवल 2 ही यात्री सवारी कर सकते हैं। वहीं बात करें देखिएगा जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है, जो यहां पर बताए गए हैं, कहने का मतलब ये, वो 50% स्टाफ के साथ ही काम करेंगे जो ये वाले ऑफिस है। तो जितने आपके PWD कैटेगरी और कृषि से संबंधित जितने भी आपके ऑफिस हैं, कृषि से जुड़े हुए एग्रीकल्चर किसानों से जुड़ा हुआ जो काम है उनसे जुड़ा ऑफिस, और हाउसिंग और RTO कॉरपोरेशन और नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के जितने भी ऑफिस हैं और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे केवल यही वाले ऑफिस। और इसके अलावा देखिएगा जितने हमारे इमरजेंसी और हमारे जरूरी ऑफिस हैं, जैसे भाई आपका फायर ब्रिगेड है वगैरह वगैरह, भाई वो तो हमारा फुल सपोर्ट के साथ चलेगा 100% क्षमता के साथ, ठीक है। और स्किल ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जितने भी हैं वो चालू रहेंगे, हेल्थ सेक्टर और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, और वो ऊपर वाले में भी था ये वाला पॉइंट, ठीक है। और देखिएगा चश्मे की दुकानें केवल आपके सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट में सभी की सभी दुकानें खुलेंगी जो कैटेगरी 1 के अंदर जितने भी जिले थे, वो वहां पर सुबह 6 बजे से लेकर आपका शाम 6 बजे तक, लेकिन यहां पर कैटेगरी दूसरी में भाई की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी सुबह 6 बजे से लेकर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो कैटेगरी तीसरी में जिस जिले को रखा गया है, तो इसमें केवल एक ही जिले को रखा गया है कैटेगरी तीसरी में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हाई रिस्क है इसलिए। तो दोस्तों देखिएगा मैसूर है ये जिला, ठीक है, तो मैसूर जिले के अंदर वो केवल एक स्पेशल एक ऐसा जिला है जहां पर मतलब कि खतरा थोड़ा ज्यादा है मुकाबले जितने भी मैंने आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी दूसरी में जितने भी जिले बताए। तो यहां पर जो गाइडलाइंस लागू रहेंगी वो सरकार ने यह कह दिया है कि जो हमारी पहली वाली गाइडलाइंस थी ना मैसूर के अंदर, जो मैसूर वासियों के लिए जो मैसूर के अंदर पहले की गाइडलाइंस थी, जो हमारी 7 जून से सुबह 5 बजे से लॉकडाउन जो लागू है पूरे कर्नाटका के अंदर, उसी तरह से मैसूर के अंदर, तो मैसूर के अंदर वही गाइडलाइंस आपकी पुरानी वाली लागू रहेंगी, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। और इसमें बताया गया है जो गाइडलाइंस हमने पहले बता रखी है वो आपको पता होगा, मैसूर के आप रहने वाले हो तो ठीक है, तो पुरानी वाली गाइडलाइंस ही लागू रहेंगी। और इसके अलावा बताया गया है कि उन गाइडलाइंस के अधीन किसी भी इसके अलावा एडिशनल किसी भी आर्थिक एक्टिविटी को इजाजत नहीं है काम करने की, ठीक है। तो देख सकते हो चीफ सेक्रेटरी आपके रवि कुमार जी के यहां पर ऑफिशियल सिग्नेचर हुए हुए हैं। तो ये हमारी ऑफिशियल गाइडलाइंस थी, ठीक है। तो अब चलिए हम वो जानते हैं गाइडलाइंस नाइट कर्फ्यू के दौरान। अभी वीडियो दोस्तों खत्म नहीं हुई, मैंने आपको बताया था नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइंस क्या है, और फिर मैं आपको लिए बात करेंगे आपकी वीकेंड कर्फ्यू की क्या गाइडलाइंस है। तो नाइट कर्फ्यू जो आपका सभी जिलों के अंदर रोजाना रहेगा शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ठीक है, केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट रहेगी।
तो अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो देखिएगा जो अपने मरीज है अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं अगर आप उन्हें देखने जा रहे हो तो आप उनके लिए आवाजाही में आपको छूट दी जाएगी रात के नाइट कर्फ्यू में। वहीं देखिएगा जो इंडस्ट्रीज और कंपनी में जो स्टाफ काम करता है नाइट में उनको मंजूरी है, आप अपने आई कार्ड के साथ आवाजाही कर सकते हो नाइट के दौरान। वहीं जो एम्प्लॉयज देखिएगा हमारे व्हीकल और टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में मतलब कि स्टाफ के रूप में काम करते हैं वो वैलिड आई कार्ड के साथ आवाजाही कर सकेंगे, ठीक है। ओनली यहां पर बताया गया है केवल जरूरी स्टाफ ही आवाजाही करें आईटी और आईटी कंपनियों से जुड़े हुए जितने भी हमारे संगठन है उनके लिए, ठीक है। ओके, ओरो के लिए कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें ज्यादा से ज्यादा। भाई देखिएगा ये है कि अभी खतरा टला नहीं है इसलिए सरकार आपसे आप पर जोर दे रही है। मेडिकल इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विस जरूरी सेवाएं मेडिकल वगैरह वो हमारी चालू रहेंगी रात के दौरान भी, दवाई गोली हमारी पूरी तरह से मेडिकल स्टोर हमारी खुली रहेंगी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि खुली ही रहेंगी, भाई मेडिकल स्टोर बहुत से ऐसे होते हैं रात में नहीं खोलते लेकिन खोलना चाहें तो वो खोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगला पॉइंट यहां पर बताया गया है जितने भी आपके गुड्स हैं, ठीक है, यानी कि रात में जितने भी ट्रक वगैरह के अंदर सामान लाद कर लेके जाया जाता है और ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से जितना भी सामान है होम डिलीवरी के पर्पस से, ठीक है, ट्रक वगैरह के अंदर जितना भी व्हीकल में सामान की आवाजाही हो रही है वो हमारी पूरी तरह से चालू रहेगी नाइट कर्फ्यू के दौरान भी, ठीक है। और देखिएगा जो लोग हमारे आवाजाही कर रहे हैं बस से, ट्रेन से और आपका फ्लाइट से, उनको भी पूरी तरह से रात के दौरान आवाजाही करने की इजाजत है, ठीक है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी की मदद से आप एयरपोर्ट या बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पहुंच या आप वहां पर आकर अपने घर भी जा सकते हो, ठीक है। तो रात के कर्फ्यू के दौरान इसकी आपको छूट है, ओके। और आपको आपका रेलवे और रोड और आपको तीनों सर्विस हमारी रात में चालू रहेंगी, ठीक है, उसके लिए पूरी तरह से इजाजत है, ठीक है। यानी कि फ्लाइट और रेल और आपका रोड सर्विस हमारी चालू रहेंगी, ओके। अगला पॉइंट बताया गया है जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीकेंड कर्फ्यू की भी गाइडलाइंस बताऊंगा। तो सप्ताह के एंड में लगने वाला जो ये कर्फ्यू है पूरे कर्नाटका के अंदर पूरी तरह से सारी गाइडलाइंस आपकी ये 5 जुलाई के सुबह 5 बजे तक लागू रहने वाली हैं। तो आपका वीकेंड कर्फ्यू जो है सप्ताह के एंड में लगने वाला जो कर्फ्यू है वो आपको पता है आपका हर सप्ताह, ठीक है, यानी कि 2 सप्ताह के लिए ही लगा है लॉकडाउन, तो ठीक है 21 जून से लेकर मतलब 5 जुलाई तक। तो फ्राइडे शुक्रवार के शाम 7 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 5 बजे तक इस दौरान जो है आपका वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही आवाजाही में छूट रहेगी। तो चलिए जानते हैं इसकी हमारी क्या गाइडलाइंस है। तो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान देखिएगा जितने भी आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, आपकी जितने भी हमारी कंपनीज वगैरह हैं इसके रिगार्डिंग जो इमरजेंसी और जरूरी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और कोविड 19 कंटेनमेंट मैनेजमेंट ड्यूटी में लगे हुए हैं फुल्ली कार्य करेंगे और इसके रिगार्डिंग आपका पूरी तरह से इजाजत है, ओके। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी इनकी सर्विस वगैरह चालू रहेंगी जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस है भाई वो मतलब जरूरी सभी सर्विस हमारी चालू रहेंगी। जितने भी देखिएगा उद्योग हैं, जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जितने भी हैं, इमरजेंसी और हमारी जरूरी सर्विस ही चालू रहेगी 24 घंटे और 7 दिन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा जो 24 घंटे 7 दिन जरूरी है उनके लिए सर्विस, तो वही हमारी उद्योग वगैरह चालू रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इस दौरान जो हमारे एम्प्लॉयज वर्कर काम करते हैं उस इंडस्ट्रीज में उनको वैलिड आई कार्ड के साथ ही आवाजाही करने में छूट मिलेगी। और आगे कहा गया है केवल एम्प्लॉयज को कि ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करिएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, ठीक है भाई। ये पर ये भी है जनता की तरफ से तो यही मिलेगा ना कि भाई अब तक तो मतलब कि इतना लॉकडाउन लग रहा था अब छूट दी गई है, तो वो भी पॉइंट आपको समझना होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आर्थिक स्थिति कैसे चलेगी आम जनता की, ओके। तीसरा पॉइंट वीकेंड कर्फ्यू के दौरान की जो गाइडलाइंस है उसमें यह है जितने भी टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज लगे हुए हैं वो उनको सर्विस चालू रहेगी वीकेंड कर्फ्यू में वैलिड आई कार्ड के साथ। वहीं आईटी और आईटी कंपनियों में जितने भी जरूरी वर्कर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज वगैरह स्टाफ वगैरह कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में चालू रहेंगे, ठीक है, वो हमारे वीकेंड कर्फ्यू में भी चालू रहेंगे। जो देखिएगा हमारे लोग अपने पेशेंट को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसी जरूरत है उनके लिए या वैक्सीनेशन के लिए आप आवाजाही कर रहे हो तो आप किसी प्रूफ के साथ आवाजाही में आपको छूट दी जाएगी। वहीं वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मैं आपको बता दूं जितनी भी आपकी दुकानें हैं, ठीक है, ग्रोसरीज की, आपकी फूड की दुकानें, जो खाने की दुकानें हैं और फल फ्रूट की दुकानें हैं यानी कि फल और सब्जियों की दुकानें हैं, मीट की दुकानें, मछली और डेयरी और आपका दूध की दुकानें हैं और एनिमल फूडर की दुकानें हैं, ठीक है, पशु चारा जो होता है उससे जुड़ी हुई दुकानें जितनी भी हैं ये सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान, ठीक है। याद रखिएगा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2
इन सभी जिलों में जितने भी कर्नाटक के अंदर सभी जिले हैं, वीकेंड कर्फ्यू में केवल सभी दुकानें, ध्यान रखिएगा, केवल दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी, सुबह 6 बजे से लेकर, ठीक है, ओके। और जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनका भी दोपहर 2 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर, और राशन की दुकानें भी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, ठीक है। और जो हमारी शराब की दुकानें हैं वो भी आपकी दोपहर 6 बजे, वो दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी, सुबह 6 बजे से लेकर, लिक्वर शॉप, ठीक है, एल्कोहल, ओके। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट बताया गया है कि इनक्रेस करिएगा 24 घंटे 7 दिन की आप होम डिलीवरी करें ज्यादा से ज्यादा, ओके। रेस्टोरेंट और भोजनालय को अनुमति है होम डिलीवरी के लिए, ये चालू रहेंगे, ठीक है, यानी कि टेक अवे पैकिंग करके ले जा सकते हो या आप होम डिलीवरी करवा के ले जा सकते हो रेस्टोरेंट और भोजनालय में, आपका किस दौरान जी, आपका वीकेंड कर्फ्यू में, ठीक है, ओके। और गाइडलाइंस आपकी पहले की तरह ही लागू रहेंगी जो मैंने आपको ऊपर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में बताई थी, ओके। देखिएगा, जितना भी आपका बसों की आवाजाही है, ठीक है, बसों की आवाजाही ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से, ये इनकी पूरी आवाजाही वीकेंड कर्फ्यू में पूरी तरह से बस ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्लाइट के माध्यम से आप आवाजाही कर रहे हो या रेलवे स्टेशन तक पहुंचना चाहते हो या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आप अपने घर जाना चाहते हो, मतलब कि पूरी तरह से वीकेंड कर्फ्यू में भाई आने जाने की छूट आपको मिलेगी, ठीक है, अगर आप रेल या बस या मतलब कि रेल या फ्लाइट वगैरह से माध्यम से आ रहे हो, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको वीकेंड कर्फ्यू में आपको छूट है, ठीक है। और उसी में ये कि आप अगर रेल या रोड या फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हो, आवाजाही में आपको छूट मिलेगी, स्टेशन या रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप आवाजाही करना चाहते हो, वही क्या जो नॉर्मल मैंने आपको बताया था पूरी तरह से चालू रहेगा। आपको बस ये है कि डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, टिकट वगैरह दिखाना पड़ेगा, COVID-19 के प्रोटोकॉल के साथ आपको काम करना है। और अगला जो पॉइंट है कि शादियों में जो आपके बताए गए हैं लोग, यहां पर शादियों में बताया गया है कि जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उनको 40 लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो शादियों में अब कर्नाटका के सभी जिलों के अंदर यहां पर जो यहां पर ये पॉइंट बताया गया है वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बताया गया है, तो वीकेंड कर्फ्यू जिस दिन रहेगा उस दौरान यदि आपकी शादी पड़ रही है, शादी समारोह है, तो उसमें बताया गया है कि आपको सगे संबंधी जितने भी हैं उन्हें 40 लोग ही आप बुला सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा जी। और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, ये वाली गाइडलाइंस आपकी वीकेंड कर्फ्यू के लिए है, लेकिन नॉर्मल के लिए नहीं है, ठीक है, जो हमारे बाकी दिन हैं। और देखिएगा, जितने भी आपके अंतिम संस्कार हैं दोस्तों, उस दौरान काफी खतरा होता है, अंतिम संस्कार के दौरान जब लोग की डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो उसमें केवल अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके जी। तो अधिक शादी समारोह के अंदर 40 जो लोग हैं, ये देखिएगा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में भी लागू होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि इन्होंने देखिएगा दोस्तों, जो मैंने जितने भी गाइडलाइंस थी वो आपके सामने डिस्प्ले करता जा रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार कि जितने भी आपकी शादियां हैं उसमें अधिकतम 40 लोग ही जाएंगे, और मतलब कि वो आपके नॉर्मल डे के अंदर भी, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही होगा, और अंतिम संस्कार में अधिकतम 5। रवि कुमार जी के यहां पर ऑफिशियल सिग्नेचर है, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों काफी लंबी PDF थी और जो हमने खत्म कर दिया आपके सामने। तो यही थी हमारी फुल गाइडलाइंस जो हमारी 5 जुलाई के सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी फुल गाइडलाइंस। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को दोस्तों यहीं पर ही आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसी भी लेटेस्ट कर्नाटका लॉकडाउन अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।